हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो फटाफट से सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल पर आ रहे हैं, तो सभी एमसीक्यू उन क्लासों को जरूर अटेंड करें। बायोलॉजी के ऐसे एमसीक्यू आ रहे हैं कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो एक क्लास में से आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, तो सभी क्लासों को जरूर अटेंड करना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासे मैं लेकर आ रहा हूँ। इसी चैनल पर आती है आपकी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, आप बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पता लग जाए कब क्लास आ रही है कब नहीं आ रही। क्योंकि क्या है ना, अभी चैनल पर प्रॉब्लम अलग चल रही है और टाइमिंग के मैं अपने अकॉर्डिंग जब मेरे को टाइम मिलता है तब वो एमसीक्यू मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वैसे आज एक 12 बजे आई थी क्लास, कल एक रात 8 बजे आई थी, एक 8 बजे आएगी। इसके अलावा और भी टाइम है, उस टाइम में किसी भी टाइम एक इंपॉर्टेंट विटामिन वाली क्लास भी डालूंगा, वो भी किसी भी टाइम डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी अलर्ट रहा करें, आपको पता लग जाए कब नोटिफिकेशन आता है कब नहीं आता, तो इस चीज़ के लिए आप बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। आज अपनी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अपन ने वैसे कंप्लीट चैप्टर कर लिया, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था नाभिक की त्रिज्या वगैरह के बारे में अपन कल देख चुके थे, पढ़ चुके थे ये सब चीज़ें। कल नहीं, परसों वाली क्लास में अपने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली थी, लेकिन कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें या आपका रिवीजन, मान लो जो रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, तो वो मैं करवा दूंगा। 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी आज की। तो सभी स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखना और इसको जरूर पूरी देख लेना और नोट्स कर लेना, नोट करते चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई है आपके लिए। ठीक है, जो भी छूट गया था वो सब इसमें कवर कर लिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा है वो भी कवर हो गया, जो भी कम है वो भी वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। जल्द ही आप 15 से 20 तारीख के बीच अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी दिन कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद अपनी कोई भी है ना, फिर एमसीक्यू ओनली एमसीक्यू क्लास होगी, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी और आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बेकायदे सफलता दिलाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यफलन क्या होता है। धातु पृष्ठ से धातु में उपस्थित अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है जो गतिज ऊर्जा वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर लाने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन क्या, एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। कार्यफलन का माप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, धातुओं के पृष्ठ पर उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। यानी कि जो कार्यफलन होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, धातु की सतह पर जो अशुद्धियाँ होती है उस पर निर्भर करता है, और ये कार्यफलन का माप दांतों के अलग अलग दांतों के लिए अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए कि अलग अलग दांतों के लिए अलग अलग कार्यफलन होता है। ठीक है, प्रकाश पर विद्युत प्रभाव, जब धातु की प्लेट पर एक विशिष्ट आवृत्ति। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट अप्लाई है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये डेफिनेशन मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी अच्छे से भी पढ़ लेना फिर दोबारा से, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब धातु के प्लेट पर एक विशिष्ट आवृत्ति, यानी किसका, एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति प्रकाशीय ऊर्जा की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता। यानी कि देहली आवृत्ति वह होती है जिससे अगर कम आवृत्ति का अपन प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं तो उससे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता उस आवृत्ति के बाद। इससे अगर अधिक आवृत्ति की देहली आवृत्ति, जो एक न्यूनतम विशिष्ट आवृत्ति होती है, जो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम डालेंगे तब जाके ये फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। बात करते हैं देहली तरंग देरी, तो देहली तरंग देरी क्या होगा, देहली आवृत्ति से संबंधित तरंग देरी को ही देहली तरंग देरी कहा जाता है। देहली आवृत्ति से संबंधित तरंग देरी को क्या कहा जाता है, देहली तरंग देरी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद होगी कि सही, कि आवृत्ति जितनी आवृत्ति के अकॉर्डिंग ही तरंग देरी होता है। तो आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्ब्डा। ठीक है, ये आपको पता है सही। तो तरंग देर हमेशा इसका उल्टा विद्युत क्रमानुपाती होता है, न्यू
ठीक है, ये सब होता है, आपको ये फॉर्मूला पता है सही, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कौन सा संबंध होता है, तो ये संबंध होता है। चलिए, देहली आवृत्ति हम देहली तरंग दैर्ध्य का मान प्रकाश सुग्राही पदार्थ व उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये निर्भर वाले क्वेश्चन पसाएंगे आपको, यहाँ से आज निर्भर वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना कि देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करता है, या देहली आवृत्ति देहली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करता है। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि जो आपका होता है कार्यफलन होता है, कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, तो कार्यफलन दांतों की सतह पर उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। और जो देहली आवृत्ति देहली तरंग दैर्ध्य होते हैं वो प्रकाश का मान प्रकाश सुग्राही उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकाश सुग्राही पदार्थ यानी कि धातु एवं उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती, ऊर्जा पर नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, प्रति सेकंड जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश जो उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपतित ऊर्जा पर निर्भर करती, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर? तीव्रता पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर नहीं निर्भर करती। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तो अगर गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। तो ये भी ध्यान रखना कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, किस पर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो तीव्रता पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं। निरोधी विभव, संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो निरोधी विभव होता है, निरोधी विभव का मान भी किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो देख लो आप सभी, निर्भर वाले क्वेश्चन आज आपको पसाने वाले, निर्भर वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो लेके जाएगा यहाँ से। ये चैप्टर ये जो रिवाइजेशन वैसे मैं करवा चुका हूँ, लेकिन ये रिवाइज तरीके से मानकर चलो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जाने वाला है, ठीक है। फोटोन यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटा होता है जिसमें नीत पर ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। सूत्र होता है EH, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। जो फोटोन होते हैं, फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटा होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटा होता है जिसमें नीत ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के क्या होते हैं? समानुपाती होती है, यानी कि E समानुपाती ये आवृत्ति, ठीक है। यहाँ H क्या है? प्लांक नियतांक है, आप सभी को पता है इसे। H क्या है यहाँ पे? प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती होता है तथा ये फॉर्मूला दे रखा है। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर आधार पर संभव नहीं है। इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा संभव नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। इसकी व्याख्या किसने की थी? इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। किसके आधार पर? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत यानी कि फोटोन के आधार पर की थी, ठीक है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न है, तो देख सकते हो आइंस्टीन के जो निम्न समीकरण है, के मैक्सिमम यानी कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम एच न्यू माइनस फाइव नॉट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्यफलन, ठीक है। तो ये क्या होगा? कार्यफलन। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कई जगह करेंगे, सारे क्वेश्चन में करूँगा तब यूज करना आपको सिखाऊंगा। वैसे इन फॉर्मूले को मैंने कई बार इंपॉर्टेंट बताया, नोट करवाया, तो दोबारा से नोट जरूर कर लेना। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से जो भी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं करवाऊंगा वैसे तो, बट आज अपन ओनली जो थ्योरी पार्ट से इस थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। आज इस क्लास आज चैप्टर को एंड मॉडर्न फिजिक्स को अपन कंप्लीट कर देंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। तो सभी क्लास में बने रहना और क्लास को लाइक जरूर कर देना और नोट्स बनाते चलना। नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको नुकसान आओगे, लास्ट में जाके आप क्लास नहीं देख सकते क्योंकि 34 के या 35 के आसपास क्लासें अपनी हो गई है, तो इतनी क्लासें आप नहीं देख पाओगे, तो नोट्स जरूर बना लेना। डी ब्रोगली की क्या कहना है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण में से संबंध एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं, अर्थात प्रकाश की भांति द्रव्य तरंग द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की भांति डी ब्रोगली का कहना है कि प्रकाश की भांति द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होती है।
द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कण का संवेग होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो देख सकते हो जो द्रव्य तरंग होती है उनका तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होगा पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होगा। यहाँ एच क्या है, नियतांक ले लिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी वी से लिखा सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा क्या होता है द्वैत प्रकृति का। द्वैत प्रकृति का होता है प्रकाश की बात ही द्रव्य की, प्रकाश की बात ही द्रव्य कणों की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। और इनमें भी जो इनका तरंग दे रहे होता है, द्रव्य तरंग का जो तरंग दे रहे होता है वो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इस सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अगर प्रोटोन के लिए पूछ ले अपन से तरंग दे रहे तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, अगर अल्फा कण के लिए पूछ ले तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपका विभवांतर है वो तो दे दिया जाएगा। यहाँ वी क्या है, विभवांतर है, और ये एंगस्ट्रॉम में यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10^-10 मीटर होता है। ये तो आपको पता होगा इससे पहले से। बाकी अगर तापीय समय में किसी कण का तरंग दे रहे निकाले तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं, बट ये अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लेना एक बार, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है कि तापीय समय में किसी कण की तरंग दे रहे क्या होगी, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बाकी डेविस एवं जर्वर प्रयोग की सहायता से डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन होता है। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि द्रव्य कणों का विवर्तन संभव है, यानी कि द्रव्य कणों का भी विवर्तन होता है। कौन क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि इस डेविस और जर्मर से यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, कि कौन से प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है, कौन से प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि द्रव्य कणों का भी विवर्तन संभव है। तो कौन सा प्रयोग है, डेविस एंड जर्मर प्रयोग की सहायता से यह संभव होता है, प्रयोग से यह संभव किया, डी ब्रोगली ने यह सत्यापित किया है कि द्रव्य कणों का भी विवर्तन संभव होता है। बाकी डेविस और जर्मर से ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए मैंने डेविस और जर्मर के बारे में इतना सा ही डिस्कस किया, इसके ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसी भी एक कण पर एक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जाता। इसके अनुसार यानी कि जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसके अनुसार किसी भी एक क्षण पर एक कण की स्थिति व एक एवं संवेग का एक साथ एक दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार तो ये फॉर्म आपको ध्यान रख लेना है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स या तो बराबर होता है या बड़ा होता है किससे, h/2 से। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये ध्यान रख लेना फॉर्मूला। बाकी और आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं बीटा से में पितृ नाभिक एक से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन कर पुत्री नाभिक वाई में बदलता है। तो किस किस का उत्सर्जन होता है, बीटा नेगेटिव से में एक इलेक्ट्रॉन का और या ए तो एक इलेक्ट्रॉनों का से होता है या एक न्यूट्रिनों का एंटी न्यूट्रिनों का उत्सर्जन होता है, ये ध्यान रख लेना। आप तो बीटा नेगेटिव में दो चीज़, बाकी आपको चीज़ ध्यान नहीं रखनी, ओनली इतना ध्यान रखना है कि तो या तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है या क्या एंटी न्यूट्रिनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इस प्रकार के सह में पुत्री नाभिक की द्रव्यमान संख्या पितृ नाभिक के समान ही रहती है, द्रव्यमान संख्या तो चेंजेस नहीं होगी बट परमाणु क्रमांक एक से बढ़ता है। वस्तुतः बीटा सह में नाभिक के भीतर एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन या एक एंटी न्यूट्रॉन बदल जाता है। बीटा नेगेटिव सह में क्या होता है, या तो एक न्यूट्रॉन बदलेगा, एक प्रोटॉन बदलेगा, या एक इलेक्ट्रॉन बदलेगा, या एक एंटी न्यूट्रॉन बदलता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं बीटा पॉजिटिव से प्रोटॉन नाभिक में रहता है जबकि, तो इसको छोड़ देना आप। अब बात करते हैं बीटा नेगेटिव से में पित्त नाभिक में एक पॉजिट्रॉन या एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, क्या या तो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होगा या न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो पुत्री नाभिक के द्रव्यमान संख्या पित्त नाभिक के समान ही होगी, यानी कि बीटा से चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनमें पित्त नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो सेम रहेगी, लेकिन उनमें जो परमाणु क्रमांक है बीटा सेम है, बीटा नेगेटिव सेम है तो उसमें परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है, बीटा पॉजिटिव सेम है एक परमाणु क्रमांक घटती है। वस्तुतः इस प्रक्रम में नाभिक में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन बदलता है, उसमें क्या बदलता है, उसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रॉन बदलता है, लेकिन इसमें लास्ट में दो तो सेम है लेकिन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन नए हो जाते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया नाभिक के बाहर संभव नहीं है। आपकी जो बीटा नेगेटिव से वाली जो अभिक्रिया होती है ये नाभिक के बाहर संभव नहीं है, और ये कहाँ होती है, नाभिक में ही होती है। ठीक है,
बीटा से की विघटन ऊर्जा, तो विघटन ऊर्जा निकालने के लिए बीटा बीटा पॉजिटिव से के लिए ये होगी और बीटा नेगेटिव से के लिए ये होती है। आगे अपन चलेंगे, बीटा से बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो या बीटा नेगेटिव हो, ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है। क्या होता है, बीटा से चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों के लिए जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, सतत होता है। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना है, आप सभी के पास अगर बुक्स हो तो बुक्स में तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन कर लेना। और जो शून्य से अधिकतम मान के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू तक की प्रास में होता है, जो सतत स्पेक्ट्रम होता है जिसमें शून्य से कहाँ तक होता है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू तक की प्रास में होता है। इसका कारण है क्योंकि मान में इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा में सहभागिता के कारण। इसका मान क्योंकि मान में पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा की सहभागिता के कारण क्यों होता है ये चीज़, ठीक है। न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही लगभग नगण्य द्रव्यमान के उदासीन कण हैं, जो द्रव्य के नगण्य अन्योन्य क्रिया करते हैं। न्यूट्रॉनों की परिकल्पना पॉली द्वारा बीटा से के सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने तथा संवेग व कोणीय संवेग के संरक्षण की वैधता बनाए रखने के लिए थी, ठीक है। जो बीटा न्यूट्रॉनों व एवं एंटी न्यूट्रॉनों दोनों की लगभग नगण्य द्रव्यमान के उदासीन कण हैं, जो द्रव्य के नगण्य अन्योन्य क्रिया करते हैं। न्यूट्रॉनों की परिकल्पना पॉली द्वारा बीटा से के सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने तथा संवेग एवं कोणीय संवेग संरक्षण की वैधता बनाए रखने के लिए दी गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूट्रॉनों की परिकल्पना पॉली ने क्यों दी थी, तो बीटा से के सतत स्पेक्ट्रम के लिए दी थी, या बीटा से के सतत स्पेक्ट्रम के लिए किसने कौन सी परिकल्पना दी थी, तो न्यूट्रॉनों की परिकल्पना दी थी किसने, पॉली ने। और इसी से संवेग और कोणीय संवेग के संरक्षण की वैधता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। गामा से में सामान्यतः अल्फा और बीटा से के उपरांत पुत्री नाभिक में मूलतः अवस्था में बनकर किसी उत्तेजित अवस्था में बनता है। गामा से सामान्यतः अल्फा बीटा से के उपरांत पुत्री नाभिक मूल अवस्था में नर बनकर किसी उत्तेजित अवस्था में बनता है। इसके किसी निचले स्तर या मूल अवस्था में लौटने के प्रक्रम में अंतिम या प्रारंभिक ऊर्जा स्तरों के अंतर के ऊर्जा मान के फोटोन को उत्सर्जित होते हैं, जिसे गामा फोटोन कहते हैं। क्या बोला जाता है, गामा फोटोन कहते हैं। यानी कि उत्तेजित कक्षा से निम्न या मूल कक्षा में आने के टाइम जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे जो फोटोन ऊर्जा के मान के फोटोन का उत्सर्जन होता है उसे गामा सही कहते हैं या गामा फोटोन कहलाता है। गामा से में नाभिक के द्रव्यमान संख्या, गामा से में क्या होता है, नाभिक के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है। यानी कि ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है ना ही परमाणु संख्या बदलती है। इनका ऊर्जा स्पेक्ट्रम विव्यक्त होता है। क्या होता है, जो गामा से होता है, गामा से में ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, विव्यक्त होता है। नाभिक के विखंडन में एक भारी नाभिक अपेक्षाकृत दो हल्के मध्यवर्ती द्रव्यमानों के नाभिकों में टूटता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, इसमें विखंडन में एक भारी नाभिक क्या होता है, एक अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में टूटता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये चीज़ें आप बोलोगे आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ये पढ़ना ही आज ओनली थ्योरी का पार्ट है। मैंने जहाँ एमसीक्यू जा करवाए तो करवा दिए पहले, ठीक है। कल से अपन अगला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर उठाएंगे। यूरेनियम 235 में विखंडन एक तापीय न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा, एक तापीय न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा प्रेरित किया जाता है। विखंडन में मुक्त ऊर्जा है। क्यू इज इक्वल टू अंतिम बंधन ऊर्जा। तो ये देख सकते हो आप, यूरेनियम नाभिक के विखंडन में औसतन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये भी देख सकते हो कितनी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिक के विखंडन के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को कम कर तापीय ऊर्जा तक ले जाया तो यूरेनियम 235 नाभिकों के विखंडन कर सकते हैं। ये श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म देता है। श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित या अनियंत्रित हो सकती है। जो श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म देता है क्या होता है, नियंत्रित या अनियंत्रित हो सकती है। तो आज की क्लास में से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा निर्भर करने वाले से और ये यूरेनियम वगैरह से आज एक का क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना आज की क्लास ये कैसी लगी आपको। ये ओनली थ्योरी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप सब इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नाभिक के संलयन प्रक्रम में दो नाभिक संयुक्त होकर अपेक्षाकृत अधिकतम द्रव्यमान संख्या के नाभिक में बदलते हैं तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं। नाभिक के संलयन के बारे में बात हो गई। संलयन अभिक्रिया के लिए बहुत उच्च ताप 10^9 केल्विन की आवश्यकता होती है। सूर्य एवं अन्य तारों के ऊर्जा जनन ताप नाभिक के संलयन के कारण ही होता है। वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन के लिए संलयन भट्टी के निर्माण के लिए प्रयास जारी है। यानी कि ऊर्जा निर्माण के लिए क्या किया जा रहा है, संलयन भट्टी का निर्माण किया जा रहा है।
तो आपको कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद। आज की जो भी क्लास है जरूर अटेंड करना, नीट वाला एस्पिरेंट के पास बायो की जो एमसीक्यू चल रहे हैं उनको जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।